दोस्तों हाल ही में ही चाइना के ऊपर एक ऐसी जोरदार स्ट्राइक हुई है जिसकी वजह से चाइना की नींदें उड़ चुकी हैं। आप सभी ये बात काफी अच्छे से जानते हैं कि आज अमेरिका जो सुपर पावर बना बैठा है वो केवल डॉलर के दम पर बना बैठा है क्योंकि तो आज दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों में से ज्यादातर देश अपने फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर अमेरिका के डॉलर को रखते हैं और इसी वजह से आज अमेरिका सुपर पावर बना बैठा है और अब तो अमेरिका ने अपने इसी डॉलर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर भी करना शुरू कर दिया है क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अमेरिका ने रशिया के करीब 600 बिलियन के आसपास डॉलर को फ्रीज कर दिया है जिसकी वजह से रशिया ने आज तक जितना भी पैसा कमाया था वो सभी का सभी अमेरिका ने जब्त कर लिया है आज आपको मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइना अमेरिका के डॉलर को पूरी तरीके से रिप्लेस करना चाहता था लेकिन आज चाइना का ये सपना धरा का धरा रह गया है दरअसल हाल ही में ही 9 से 10 सितंबर को भारत के अंदर जी ट्वेंटी सम्मिट होने जा रहा है और इस सम्मिट में लगभग सभी देशों के राष्ट्रपति भारत में आने के लिए तैयार हो चुके हैं और बहुत से देशों के राष्ट्रपति तो भारत में पहुँच भी चुके हैं लेकिन चाइना के प्रेजिडेंट यानी कि शी जिनपिंग ने भारत के अंदर होने वाले जी ट्वेंटी समिट को अटेंड करने से मना कर दिया है और इस बात के पीछे चाइना की तरफ से ये रीजन दिया गया है कि हमारे यहाँ पर इंटरनल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है इसीलिए ही शी जिनपिंग भारत में होने वाली जी ट्वेंटी सम्मिट को अटेंड नहीं करेंगे चाइना के अंदर एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है क्योंकि चाइना की करेंसी लगातार धुआंधार तरीके से गिरती जा रही है और आज चाइना की करेंसी ने 16 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और आज चाइना की करेंसी इतिहासिक लो पर जा चुकी है आप इस ग्राफ को देखिए ये 2008 का ग्राफ है अब चाइना की करेंसी गिरते गिरते इसी ग्राफ के बिल्कुल बराबर में आ चुकी है और आप जो ये अगला ग्राफ देख रहे हैं ये एक महीना पुराना ग्राफ है इसमें आप देख ही सकते हैं कि चाइना की करेंसी कितनी तेजी से नीचे गिर रही है और इस करेंसी को स्टेबल बनाने के लिए अब तक चाइना ने 44 बिलियन डॉलर पानी की तरह मार्केट में बहा दिया है लेकिन चाइना फिर भी अपनी करेंसी को गिरने से नहीं रोक पा रहा है और चाइना की करेंसी का इतना ज्यादा गिरना चाइना के लिए भविष्य में बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर रहा है और चाइना की करेंसी इसलिए भी ज्यादा गिर रही है क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर ने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था उन इन्वेस्टरों ने फटाफट तरीके से चाइना के अंदर से अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिया है और इसीलिए ही चाइना की ये करेंसी लगातार गिरती जा रही है की इस करेंसी के गिरने का भारत को आने वाले समय में फायदा बिल्कुल होगा क्योंकि हाल ही एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 सालों में जितने भी इन्वेस्टर ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था उनको भारत की तरफ से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया गया है और चाइना की करेंसी का इतनी ज्यादा तेजी से गिरना चाइना के ऊपर एक स्ट्राइक से कम बिल्कुल भी कम नहीं माना जा रहा है और आपके लिए आज का सवाल क्या भविष्य में भारत चाइना को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा हाँ या फिर ना इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है गुड डे